नमस्कार दोस्तों, महंगाई के उस दौर में जिसमें महंगाई के ऊपर बात करने पर मेरी देशभक्ति पर सवाल या निशान लग सकता है, मैं कपिल जाखड़ चतुर्दिशा टाइम्स परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, देशभक्ति पर सवाल लगने से बेहतर है कि हम खबरों पर बात करें। इसी क्रम में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों व कलाकारों ने साइकिल रैली व जुलूस में हिस्सा लिया, जिसमें 25 नवंबर को निर्धारित की गई हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प किया गया। दरअसल महंगाई के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान के सामने जाकिर हुसैन कॉलेज से शुरू की गई यह रैली तुर्कमान गेट पर जनसभा के रूप में समाप्त हुई। विभिन्न इलाकों से सैकड़ों की संख्या में आए मजदूर, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों व कलाकारों ने साइकिल रैली व जुलूस में हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीआईटीयू की अखिल भारतीय अध्यक्ष कामरेड के हेमलता, सीआईटीयू के दिल्ली राज्य महासचिव कामरेड अनुराग सक्सेना, जेएमएस की दिल्ली राज्य महासचिव आशा शर्मा, डीवाईएफआई के दिल्ली राज्य अध्यक्ष संजय कुमार व एसएफआई के दिल्ली राज्य संयुक्त सचिव मयंक ने संबोधित किया। कामरेड हेमलता ने महंगाई पर बात रखते हुए और हमारे संघर्षों की बात करते हुए रूसी क्रांति की वर्षगांठ को भी याद किया। सभा में इस बात पर विचार किया गया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आमजन को परेशान किया हुआ है। जहां पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारी, छटनी व तालाबंदी के चलते आमजन के वेतन कम हो रहे हैं, वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल, सब्जी, दाल समेत आम इस्तेमाल की सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम परिवार के लिए तो जीना लगभग दुर्भर हो चुका है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार से जिस हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है वह कहीं नजर नहीं आ रहा। सत्ता पर काबिज सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर नजर आ रहे हैं। गंभीर चिंता का विषय तो यह है कि दुनिया में भुखमरी पर 116 देशों के हालिया सर्वे में हम 101वें स्थान पर हैं, और लॉकडाउन के बाद आए सभी सर्वे बताते हैं कि 60% लोग पहले की तुलना में खाना कम करने को मजबूर हैं। ऐसी भी आशंका जताई गई है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर 22% नेशनल हाईवे, 400 रेलवे स्टेशन, 1400 किलोमीटर रेलवे लाइन, 90 रेलगाड़ियां, 25 एयरपोर्ट, 160 खान और 9 बंदरगाह में 31 परियोजनाएं आदि समेत देश की अपार संपदा को देश विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में औने पौने दामों पर सौंपने की तैयारी है। इसके साथ ही सभा में आरोप लगाया गया कि हाल ही के चुनाव में कुछ जगह हार के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मामूली कटौती का भाजपा प्रचार तो बहुत कर रही है, पर असल में इससे जनता को कोई राहत नहीं मिली। पेट्रोल की कीमतों में जहां केंद्र का एक्साइज टैक्स 33 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल में यह 32 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में 5 से 10 रुपए की कमी का ढोल पीटना एक जुमला मात्र ही नजर आता है। इन्हीं सब मुद्दों पर 25 नवंबर को दिल्ली में हड़ताल का निर्णय लिया गया है। आज का आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं।